हम तत्काल प्रभाव से चाहते हैं भारत सरकार कोई ना कोई तुरंत कार्रवाई करे पाकिस्तान के ऊपर और उसको सबक सिखाए। नमस्कार, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ईआन टीवी। पुलवामा में हुए एक बड़े आतंकवाद को लेकर आज इंडिया गेट पे काफ़ी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। तो आइए हम उन लोगों से जानेंगे कि वो इस बारे में और क्या कहना चाहते हैं। सरकार से हम चाहते हैं कि आश्वासन देना बंद करे, कब तक निंदा करते रहेंगे। ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने टीवी में बोला था 125 करोड़ का देश है, हमें लव लेटर लिखने के नहीं चाहिए, हमारा 125 करोड़ का देश है, एक के बदले 10 सर आएंगे, 42 लोग शहीद हो जाते हैं, उसके बाद भी लगातार इस पार्टी के लोग 42 के बदले 4200 सर आना चाहिए। हम उसका घर में गोली मारेंगे अगर पाकिस्तान में घुस शर्म होती थोड़ी सी भी इसी वक्त। अगर उनसे नहीं हो सकता है तो इस्तीफा दे दे मोदी जी। और ये लगातार जो प्रचार में लगे हुए हैं पार्टी का प्रचार, 42 लोग शहीद हो जाते हैं, उनकी पार्टी की मीटिंग्स नहीं बंद होती है, चुनाव कैंपेनिंग्स नहीं बंद होती है, यहाँ लगातार लोग मरते जा रहे हैं, कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है देश की, सिर्फ सबको लगा मेरा उल्लू कैसे सीधा होगा, बस इनको अपना उल्लू सीधा करना है। जवान मरते हैं तो मर जाने दो, इस देश के लोगों जो जिम्मेदार लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। 2019 उनके सर पे अपना चुनाव दिख रहा है, देश की जनता नहीं दिख रही है, देश के सोल्जर्स नहीं दिख रहे, इनको सिर्फ और सिर्फ अपने सर पे चुनाव दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। मेरा ये कहना है अगर अमेरिका पाकिस्तान में घुस के अगर ओसामा को मार सकती है तो ये काम हम भी कर सकते हैं। हम भी उसके देश में घुस के उसको मार सकते हैं, बस एक बार। 42,000 मरेंगे इस बार, ये जो हो रही है बहुत बहुत हुआ, बहुत बर्दाश्त कर लिया हम लोग, आप बर्दाश्त नहीं हो। अगर अमेरिका कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं सर। नगर के बच्चों की ये हमारे दिल का कष्ट है, हमारे जवान शहीद हुए। हम मोदी जी से निवेदन करते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि इनको तो, इन कमीनों को तो इस तरह से मारो ना कि सालों की याददाश्त कमाए उनकी। जो देश के गद्दार बैठे हैं उनको सबसे पहले खत्म किया जाए, फिर उसके बाद सर्जरी का स्टाइल करके पूरा पाकिस्तान खत्म कर दिया जाए। उन आतंकवादियों को कैसे पता चला कि हमारे 2500 जवान आज छुट्टी से वापस जा रहे हैं। इसी देश में है, इनको खोज के मार रहे हैं, एक एक गद्दारों को मार रहे हैं। और ये महबूबा मुफ्ती, ये तो उसको तो छोड़ो। महबूबा मुफ्ती के तो वो गलत इंसान है, गलत। पाकिस्तान के अंदर और मुक्ति कह रहा का लड़का है। कल मेजर जीडी बख्शी का बयान आया था, पहले श्रीनगर में 3 चेक पोस्ट हुआ करते थे, महबूबा मुफ्ती ने तीनों चेक पोस्टों को हटवा दिया, उसके बदले से वो गाड़ी आईईडी उसे लेस गाड़ी बाहर आई, बिना चेक पोस्ट के गाड़ी चेक नहीं हुई, क्यों हटवाए नाकाबंदियों को महबूबा मुफ्ती ने। थोड़े भी मोदी जी हिंदुस्तान के नागरिक हैं और उनका खून खोल रहा हो तो पाकिस्तान को निपटा दे, नहीं वो हिंदुस्तानी कहने लायक नहीं है, मैं कह रहा हूँ। आज जो हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, कल इतनी दुखद घटना घटी है, हमारे नौजवानों के साथ जो शहीद हुए हैं इसकी जितनी निंदा की जाए कड़े शब्दों में उतना ही कम है। इतनी बड़ी घटना शायद पहले कभी नहीं हुई है। हमारे 42 जवान शहीद हुए हैं, उनको किस तरीके से मारा गया है। और मैं चाहता हूं कि जो सरकार है हमारी भारत सरकार पाकिस्तान के ऊपर कड़े से कड़े शब्दों में और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे,
जिससे भविष्य में इस प्रकार से कोई भी गतिविधि पाकिस्तान द्वारा या जैसे मोहब्बत द्वारा ना की जाए। उनको एक कड़ा संदेश देना चाहिए और जितनी भी चीज़ें हमारे संबंध पाकिस्तान के साथ हैं भारत सरकार के राजनीतिक तौर पे, वो सारे बंद कर देने चाहिए तुरंत। नदीज के समझौते हुए या जो भी हमारे व्यापार है तत्काल प्रभाव से बंद कर देने चाहिए और ऐसी एक रणनीति बनानी चाहिए जिसके तहत हम भारत की जनता को और वो जो नौजवान हमारे भाई शहीद हुए हैं उनके घर में उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो, उनके परिवार वालों को एक हिम्मत मिले कि हाँ हमारी सरकार ने कार्रवाई की और पाकिस्तान को एक जोरदार सबक सिखाया है। हम ये चाहते हैं, कहने का मतलब यही है कि मेरा कि ये जो घटनाएं बार बार हो पा रही है और अभी जो पूरे विश्व में, जैसे कि भाई साहब ने बताया कि बहुत सारे विश्व को बताया कि पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है और इस गतिविधियों को ख़त्म करने के लिए एक कदम उठाने की इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये हम लोग आम जनता ना, हम लोग यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं और ना हम यहाँ कोई भेल पूड़ी खाने आए हैं। हम लोगों को दिल से दुख है कि 42 परिवार, हमारा भी है उसमें परिवार, हमारे भी लोग होते हैं, कल को हमारे लोग हो सकते हैं, वो हमारे हैं, जितने सैनिक हमारा सुरक्षा कर रहे हैं हम उनके लिए, उनकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं रात में, उनकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं रातों में। और उनको 42 के 42 कितने लोग शहीद हुए होंगे, वो शायद 42 लोगों का नाम आया है लेकिन कितने लोग शहीद होंगे शायद हमें नहीं पता है। मलबों को उठाया गया है, उनको शरीर पूरा नहीं प्राप्त हुआ है, ऐसे लोग शहीद हुए हैं जिसके लिए बड़ी निंदनीय घटना है। हमारे अंदर जनाक्रोश भरा हुआ है, हम बहुत गुस्से में हैं, हम तत्काल प्रभाव से चाहते हैं भारत सरकार कोई ना कोई तुरंत कार्रवाई करे पाकिस्तान के ऊपर और उसको सबक सिखाए। मुर्दाबाद। जैसे कि आप सबने देखा यहाँ पे लोगों में कितना गुस्सा भरा है और लोग काफ़ी दुखी भी हैं और लोगों की सरकार से सिर्फ एक ही मांग है और वो है न्याय। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ईआन टीवी। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं आशीष श्रीवास्तव।